ब्रो इस बार ना मनाली चलते हैं, बॉन्ग पिएंगे, बम चिकी चिकी बम ब्रो। भाई खांसी, अस्थमा, गाइस से नो टू फायर क्रैकर, से नो टू दिवाली, बहुत धुआं होता है भाई। मैं तो पिछले जन्म से अस्थमा का पेशेंट हूँ। पर भाई दिवाली से तो सिर्फ 0.07% चुप हो सुअर, एजेंडा कैसे चलेगा फिर? अबे इसी बात के तो पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। तुझे पता दिवाली की वजह से ग्लेशियर पिघल गए, पेंगुइन मर गई सारी, कौन है इसका जिम्मेदार? तू लेगा जिम्मेदारी? ये जो कुत्ते हैं ना, तुझे बताऊं, इनके कुत्ता बिरयानी बना के खा जानी चाहिए कुकर में। साले डर्टी स्ट्रीट डॉग्स, और ये फेसिस्ट योगी गवर्नमेंट, गाय गौ माता है, बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अबे जानवर किसी के माँ बाप हो सकते हैं? नॉनसेंस। अबे चलना घर पे चिकन बिरयानी बनी है, खाते हैं चिकन बिरयानी। गिव मी हाई फाइव ब्रो। ओ माय गॉड ब्रो, दिवाली की रात को मेरे कुत्ता कितना डर जाता है ब्रो। अबे दिवाली तुम्हारा त्योहार है तो इन जानवरों की क्या गलती है? इनको तो सफर मत कराओ, जाहिलो गंवारो, कैसा त्योहार है ब्रो? बैन हो जाना चाहिए इस त्योहार को। हेलो भैया, सोन पापड़ी खाओ। पिछले साल दिवाली पे कोई देके गया था, एक तो सोन पापड़ी, ऊपर से सस्ते वाली, और वो भी विदाउट पैकिंग, उठा के रख रखी है पिछले साल की, आने दो, इस बार दिवाली गिफ्ट में यही वापस कर दूंगा उसको। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे सारे रिश्तेदार बहुत कंजूस है, नहीं नहीं, कोई कोई काजू कतली भी लाता है, और उनके लिए हम भी चाय की जगह कॉफी देते हैं और बिस्किट की जगह मिश्री और बादाम। दिवाली की वाइब्स ही कुछ अलग होती है भाई, मतलब तुम इस त्योहार से छुप नहीं सकते, क्योंकि ये त्योहार खुद ही घर में घुस के बताता है कि देखो मैं आ गया। फुल आतिशबाजी, दियाबाजी, शॉपिंग बाजी, सफाई बाजी और मिठाई बाजी। लास्ट ईयर दिवाली की सफाई के टाइम मुझे अपने बचपन का झुंझुना मिला था, और उसके बाद पंखा साफ करते हुए करंट भी लगा था। हॉस्टल से, जॉब से हम लोग घर आते हैं दूर दूर से कि भैया कुर्ता पजामा पहनेंगे, ट्रेडिशनल सूट वूट पहन के हैशटैग दिवाली वाइब्स की फोटो अपलोड करेंगे, लेकिन हमारे घर वालों को हमारा फ्लेक्स कहां मंजूर, भैया मजदूर बना देते हैं। घर के जिन कोनों में कभी हमारे पूर्वज जाके नहीं झांके, उन कोनों में से धूल निकाल रहे होते हैं हम लोग। मगर इस दिवाली अपना सीन सेट है भाई, सुंदर सुंदर कन्याओं के यहाँ पे काजू कतली देने जाएगा तुम्हारा भाई, मस्त कुर्ता पजामा पहन के। अब पटाखे फोड़ने की तो उम्र चली गई, लेकिन पटाखे देख तो सकते ही हैं, और क्या पता कोई पटाखा हमारी माचिस से जल जाए, और हो ना हो 2-4 साल बाद उसी के साथ अपने घर में लक्ष्मी पूजा कर रहे हो, है कि नहीं, है कि नहीं भाई साहब? मानते हो कि नहीं, कल किसी ने देखा है। लेकिन एनवायरमेंट और गर्ल्स, इन दोनों को कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, एकदम गुड बॉय बन के रहना है भैया, क्योंकि वो वाली लक्ष्मी जी और ये वाली लक्ष्मी जी दोनों अच्छे चरित्र वाले मानुष से इंप्रेस होती हैं। और अभी लड़कियों से मुझे याद आया, भैया रेडी हो जाओ इन वाली फोटोज के लिए, ये मस्ट पिक्चर्स हैं दिवाली की लड़कियों की तरफ से। कभी कभी तो ऐसा लगे स्नैपचैट से पिछली दिवाली की फोटोज ही रिपोस्ट कर दियो, वही लोकेशन, वही पोज, वही लाइटनिंग, बस कपड़े बदलते रहते हैं। और चलो लड़कियों के अंदर पोज देने की तो क्रिएटिविटी है, लोंडो को बोल दो होली हो, दिवाली हो, दिल्ली हो, गोवा हो, जिम हो, कि भैया पोज दे दे। भाई चेंज कर इसे, भाई ये पोज हो गया, चेंज कर इसे, भोजड़ी का चेंज कर ले। मार्क भैया अलग परेशान रहते हैं इस दिन, क्योंकि इंडियन लोग इनकी व्हाट्सएप जो डाउन कर देते हैं हैप्पी दिवाली के मैसेजेस से। इंडियन अंकलों को तो कुछ काम ही नहीं है, बस कोई भी त्योहार हो अपनी ये वाली फोटो एडिट करा देंगे उसकी टेम्पलेट पे, और सारे व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर देते हैं। क्यों अंकल जी, अगर आपकी फोटो नहीं आएगी तो क्या हमारी दिवाली हैप्पी नहीं होगी? आप कहीं के जिला पंचायत हो, मंत्री हो, संतरी हो, और क्या हो, और कुछ लोग तो यहां तक भी सीमित नहीं रहते, चलो भैया ये वाली फोटो एडिट करा के ही भेज दो तुम, नहीं, इनको पहले अपनी फोटोज के कोलाज बनाने होते हैं, और फिर उन कोलाज को मिक्सअप करके वीडियो बनानी होती है हैप्पी दिवाली के म्यूजिक के साथ। अरे भैया हमें नहीं चाहिए दिवाली की सुबह सुबह तुम्हारा ये व्हाट्सएप पे सरदर्द। दिवाली आए और ऑनलाइन बायस्ड एक्टिविज्म शुरू ना हो, ऐसा हो सकता है? कतई नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, अनपॉसिबल। चेन स्मोकर्स को अस्थमा होने वाला है, पूरे साल सीवियर एयर क्वालिटी इंडेक्स में रहने वाली दिल्ली की शैलजा को सिर्फ दिवाली की रात सांस नहीं आएगा, और ये साउथ दिल्ली का वोक राहुल जो पूरे साल अपनी बाप की एसयूवी में अकेला बैठ के हगने मूतने तक जाता है, लड़कियों के सामने कूल बनने के लिए दिवाली पे पैराग्राफ लिखेगा कि दिवाली पे कितना पोल्यूशन होता है। विदेशों में बीफ बर्गर खाने वालों को इंडियन स्ट्रीट डॉग्स की तकलीफ याद आएगी, और क्रिसमस पर हल्ला काट रही लड़कियों को लाइट एनर्जी वेस्ट याद आ जाएगा। लेकिन बंटी अब सी नहीं रहा, बंटी ना तो पटाके छुटाता ना छुटाने देता, लेकिन बंटी अब अपने कल्चर पर फालतू ज्ञान भी नहीं सुनता। बंटी को समझ आता है कि पूरे साल कितने एनवायरमेंटलिस्ट रहते हैं और दिवाली पर कितने नए पैदा हो जाते हैं। पूरे साल पोल्यूशन के 99.93% रीजंस पे कोई बात नहीं करता, रोड डस्ट, व्हीकल्स, डीजल जनरेटर, इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट। दिवाली 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 है बंटी तो। खैर पटाखे छुटाना दिवाली का ना तो कभी पार्ट था और ना है, दिवाली भैया लाइट का त्यौहार है, दियों का त्यौहार है, दबा के जलाओ, दबा के कैंडल जलाओ, दबा के दिए जलाओ, और वो भी स्वदेशी। लेकिन किसी के यहाँ अगर कोई छोटा बच्चा है और वो 2-4 पटाखे छुटा के खुश होना चाहता है, अगर उसके दोस्त छुटाते हैं वो भी छुटाना चाहते हैं, इट्स ओके ब्रो, छोटे बच्चे छुटा सकते हैं, लेकिन अगर तुम ढींग हो रहे हो इतने बड़े बड़े तो
बेमतलब में मत करना भैया, एनवायरनमेंट के साथ साथ कानों को भी नुकसान होता है। दिवाली पे मार्केट में घूमने का भी अलग ही मजा है भैया, लाइट्स लग रही है, मिठाई लग रही है, नई नई चीजें लग रही है, हल्की हल्की ठंड हो रही है और दुकानदारों के बीच में बढ़ता कॉम्पिटिशन। नहीं नहीं नहीं, सामान की बिक्री को लेके नहीं, कौन कितनी सड़क घेरेगा इस बात का कॉम्पिटिशन। 10 गज की दुकान वाला 100 गज सड़क घेरे बैठा है, उस पर मिठाई रखे बैठा है। और एक बार तो भैया एक दुकानदार ने पूरी सड़क घेर के रखी हुई मिठाई से और पटाखों से। मैंने कहा भैया थोड़ा बहुत अपनी दुकान में अंदर लो, कहां है तुम्हारी दुकान, सड़क पे लोगों को चलना होता है तो पता चला उसकी कोई दुकान ही नहीं है, रंग में रंगीला हो रहा है, सब सड़क घेर रहे हैं। तो उसने ऐसे ही आके सड़क घेर ली पूरी की पूरी। सब नए नए कपड़े पहनते हैं इस दिन, और बचपन में तो मामा के यहाँ से आए हुए नए कपड़े सिर्फ दिवाली के दिन ही लीगली पहन सकते थे हम लोग, वरना मजा ले हमारी माँ मामा के यहाँ से आए हुए कपड़े हमें पहनने को दे दे। अब तुम मेरी इस बात से सारे रिलेट कर रहे हो, सबके सब साले मिडिल क्लास फेलोज। लेकिन अभी तुम्हारा भाई अमीर हो चुका है, इस साल दिवाली पे एकदम नया टंच कुर्ता पजामा बनवाया है, लेकिन सिर्फ दिवाली के दिन ही, बाकी दिन तो पुराने कपड़े पहनूंगा। मतलब अमीर हुआ हूँ लेकिन इतना भी नहीं, मतलब स्टेप बाय स्टेप हो रहा हूँ। दिवाली का हफ्ता आया, सब भाई बहनों ने खूब सारे मिठाई के डब्बे खाए, मैं घर में सबसे लंबा था, मेरे हिस्से में घर के जाले आए। एक बार को ये साला कप नाम दे वाला सपना देख लेना, वो पूरा हो सकता है, लेकिन दिवाली पर सोन पापड़ी देने का कल्चर खत्म हो जाए ये सपना अनपॉसिबल। जिन दिल्ली वाले लोगों ने दिवाली के पटाखे पहले ही खरीद के रख लिए थे, भैया टेंशन नहीं है, बैन हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच के लिए उठा के रख लो, काम आएंगे। मुझे पता चला है किसी ने दिल्ली प्रोटेस्टर्स के ऊपर किताब लिखी है, चलो इस दिवाली कुछ तो मिला जलाने को। पैसे खर्च करके पटाखे या स्वदेशी दिए खरीद के सो कॉल्ड वॉक्स की बुंड, क्या जलाना चाहोगे, फैसला आपका है। और खड़का कर, और कर, और कर, और कर। चौदह मेरी मेरी गांड पर ट्रक ले आए, इनका काम क्यों नहीं खत्म हो रहा, इनका तो पिछले साल हो गया था पर आज वीडियो शूट होनी थी ना। अभी कैमरा बंद करते ही बंद हो गया, मैं देख शूट हो गया, मैं कैमरा बंद करने जा रहा।